Today we are going to discuss about question paper of 2019 of BB 2019 का है, because 2020 और 21 का नहीं है, examination आपका हुआ नहीं था, promotion हुआ था, so I guess इसका आपका 2019 का है. उसके बाद से जैसे ये complete हो जाएगा, then we'll move toward the another question paper. So I guess just share it as possible. To see on the screen, सब लोगों को screen में question paper visible है? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, लिसन वेरी केयरफुली, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट, और सब क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है मुझे, और जो भी बच्चा म्यूट है म्यूट कीजिए ना, तो क्लास से बाहर करूंगी मैं. चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, dash is the process of analyzing the environment for the identification factors which have impact on or have implication for the business. So the first question is ki yahan par process analyze karne ka environment ke bare mein puch raha hai ki kaun sa isme process hoga jo analyze karta hai environment ko, identify karta hai factors ko jiska impact business ke upar padta hai. Theek hai, clear ho rahi hai, samajh mein aa raha hai? Yes, हाँ, so the what will be the answer of this? The answer of this will be scanning. Always remember scanning. अभी हम लोग करेंगे environmental analysis के process को, we are going to complete about it. So इसका जो answer होगा, that will be scanning, because scanning जो है ये analyze करता है आपके environment को, identify करता है कि कौन सा factor का impact हमारे business में long term पे पड़ेगा. So here always remember that the scanning जो है वो आपका डिटरमाइन करेगा, समझेगा कि कौन कौन से फैक्टर जो है बिजनेस में प्रेजेंट है और जिसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ेगा. ठीक है, सो एनवायरमेंट में जो भी फैक्टर्स अवेलेबल है जिसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस में पड़ रहा है, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड द हेल्प ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग. एनवायरमेंटल स्कैनिंग पे हम जो है उसको फाइंड आउट करेंगे. ऑल ऑफ यू, फर्स्ट पॉइंट, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट वन? The answer of the first one is, क्या होगा इसका answer? Scanning. What will be the answer of this? What will be the answer? Scanning, right? Okay. So the next question is, the government strategy in respect of public expenditure and revenue which has a significant impact on business. ठीक है, is, ये इसका आंसर क्या होगा? इसको शेयर करो नंदनी, चेंज करो पेज, इस साइड करो नंदनी. यस yes. हाँ, थोड़ा नीचे कीजिए. ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस? देयर आर टू अदर पॉलिसी विच इज रिटन ओवर देयर, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी एंड फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी. सो द आंसर ऑफ दिस विल बी द फिस्कल पॉलिसी. इस साइड फिर कीजिए नंदनी स्क्रीन को. यस yes. So answer of this, जो government strategy है public expenditure और revenue को जो manage करता है, always remember monetary policy जो होता है वो Reserve Bank of India के द्वारा manage होता है. country का कोई भी जो central bank है वो country के monetary policy को क्या करेगा? monetary policy यानी money के cash flow को देखेगा. ठीक है, फिस्कल पॉलिसी जो होता है इट इज रिलेटेड विद द एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक, यानी टैक्स वगैरह से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेगा, दैट कम्स अंडर द फिस्कल पॉलिसी. ट्रेड पॉलिसी का मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड पॉलिसी, एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई गेस दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी. सो मॉनिटरी पॉलिसी इज रिलेटेड विद द मनी फ्लो इन द होल इकोनॉमी, फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड विद द एक्सपेंडिचर विच गवर्नमेंट इज डूइंग विद द टैक्सेस, जो टैक्स से वो एक्सपेंडिचर कर रहा है, जो टैक्सेस ले रहा है और गवर्नमेंट जो उसको एलोकेट कर रहा है, इट विल कम अंडर द फिस्कल पॉलिसी. आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिस्कल एंड मॉनिटरी पॉलिसी इन दिस क्लास, डोंट वरी. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन इज क्लियर? फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट इस साइड कीजिए क्वेश्चन को नंदनी. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, dash is concerned with the holding the balance between economy and social goals and between individual and communal goals. So the answer of this will be corporate governance. Okay, what is the meaning of corporate governance? Let me tell you. Corporate governance is basically work according to the ethics.
यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो इथिकल वे में चलता है किसी भी कंपनी में। कंपनी का सिर्फ गोल प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, कंपनी का गोल होता है कि हम इकोनॉमिक यानी कि प्रॉफिटेबल सिचुएशन में भी रहे, सोशल गोल को भी अचीव करें, इंडिविजुअल यानी एम्प्लॉइज के गोल को भी अचीव करें एम्प्लॉइज, और कम्युनल गोल यानी कम्युनिटी के गोल को भी हम अचीव करें। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहता है कि सिर्फ कंपनी को रन करने से, प्रॉफिट अर्न करने से जरूरी नहीं है कि बाकी और भी गोल को अचीव किया जा सके। तो हमें जब भी बिजनेस रन करना है दैट शुड बी इन द एथिकल वे। प्रॉफिट अर्निंग के लिए वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी इलीगल वे, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लॉइट द एम्प्लॉइज फॉर दैट। सो व्हाट हियर वी आर गोइंग टू डू, वी आर कंसर्न्ड विद ऑल द फैक्टर्स विच इज रिलेटेड विद द बिजनेस, मतलब सारे फैक्टर्स जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड है हम सबको होल्ड करके चलेंगे, हम सबके लिए भला करेंगे, हम सबके लिए सही करेंगे, ठीक है। तो दिस का थिंकिंग दे हैव। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है दैट इज अ बेसिकली गवर्नेंस रिलेटेड विद द कॉर्पोरेट एक्टिविटीज, हाउ द इंटरनल एक्टिविटीज यू आर रनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ यू आर फुलफिलिंग द सोशल गोल, हाउ मच एम्प्लॉइज आर हैप्पी इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हाउ यू आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी गोल रिलेटेड विद द डिफरेंट कम्युनिटीज। तो यहाँ पर ये सारी चीजों को होल्ड करते हुए कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो चलता है, दैट इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द होल्डिंग बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक सोशल इंडिविजुअल एंड कम्युनल गोल्स। तो आई गेस दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर, दिस एमसीक्यू, दिस क्वेश्चन इज क्लियर? यस मैम। ओके, see I am elaborating the thing but I will tell you about everything once again. मैं fiscal policy कराऊंगी आपको, monetary policy कराऊंगी, corporate governance कराऊंगी, जो भी चीज यहाँ पर ऐसा लग रहा है जिसको समझने में थोड़ी दिक्कत है we are going to understand about it, don't worry. Okay, so next question is which of the following is disadvantage of sole proprietorship? Who is going to tell me the answer of this? Which of the following is a disadvantage of the sole proprietorship? Anisha? Limited sources of funds. Very good. Further of this will be limited sources of fund. Why this will be the answer? Total shared, it is not possible because here the only one person is getting whole profit. Limited liability, there is a no concept of limited liability in the sole proprietorship. Limited government regulation, yes, there is limited government regulation. That can be the positive thing, but that cannot be the disadvantage. It is a positive thing that we have a limited government regulation in the sole proprietorship. So I guess this point is clear? Yes, ma'am.